हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। वो क्या है टॉपिक? फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। फिजिक्स का क्या रिलेशन है टेक्नोलॉजी के साथ? तो देखो, द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स हैव प्लेड अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। क्या है? सम ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बेस्ड हैं एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स पर। तो देखो, नंबर वन क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन, रेडार एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। मतलब क्या, जो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो कहाँ यूज़ हो रही हैं? तो ये टेक्नोलॉजी हो गई रेडियो, टेलीविजन, रेडार एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में। रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन, रेडार कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में ये सब यूज़ हो रही है। जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन की बात हम बात कर सकते हैं, सेलुलर फोन्स हो गए। रेडार कम्युनिकेशन, जैसे ये जो एरोप्लेन्स वगैरह जो फ्लाई करते हैं, ठीक है, वो रेडार सिस्टम पे ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि रेडार में आ जाता है ना कोई एरोप्लेन आ रहा है या नहीं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वन क्या है हमारे पास, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हेल्प अस इन फोरकास्टिंग द वेदर। वेदर के बारे में जो हमें पता चलता है कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है, वो किसकी हेल्प से पता चलता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हेल्प से, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, एक्सरे। एक्सरे आर यूज इन डिटेक्टिंग द फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस इन बोन्स। एक्सरे आप सभी को पता है क्या डिटेक्ट करता है, फ्रैक्चर्स या फिर डिसलोकेशन हो जाती है बोन्स की, वो सब आपको पता चलता है एक्सरे की हेल्प से, क्लियर। फोर्थ वन क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर्स आर वेरी यूजफुल इन इंडस्ट्री। तो ये तो देखो इंडस्ट्री में क्या, हाउसेज में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है, ये सब इंडस्ट्री में भी यूजफुल हैं, साथ हाउसेज में भी ये यूज़ होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, लॉज ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो क्या फिजिक्स के लॉज हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं? तो देखो, यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी लिख दिया और यहाँ पर फिजिक्स के लॉज लिख दिए, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हैं, ठीक है। तो देखो, नंबर वन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किस पे ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। ये सब बातें आपको आगे आगे धीरे धीरे पता चलेंगी क्लास 12th वगैरह में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी के लिए बस इतना पता होना चाहिए आपको टेक्नोलॉजी क्या है और क्या प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स लगी हुई है उसमें, क्लियर। जैसे सेकंड है स्टीम, पेट्रोल और डीजल इंजन, इसमें क्या यूज़ होता है आपका, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, रेडियो, टीवी और फोन्स, इसमें क्या यूज़ हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन। फिर फोर्थ वन आता है आपके पास, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर पावर। न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर पावर के लिए क्या लॉज है आपके पास, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। फिर जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है वो क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। फिफ्थ वन क्या है हमारा, रॉकेट प्रोपल्शन, इसमें क्या यूज़ हो रहा है आपका, न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ। एरोप्लेन्स में बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ होता है। सेवन्थ है मेडिकल डायग्नोसिस, जैसे एक्सरेज हो गया। एट्थ हो गया हमारा कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर्स, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो गई। और नाइन्थ वन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स, इसमें हमारा TIR यूज़ होता है, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी फिजिक्स का लॉ है एक हमारा। टेंथ क्या है हमारे पास, फोटो, और इसमें कौन सा लॉ यूज़ होता है आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो ये था आपके पास फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी एंड लॉज ऑफ फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। क्या इतनी बात क्लियर है, कर लोगे इसको, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत ही सिंपल सा है ये तो चैप्टर आपका, सारा थ्योरी बेस्ड ही है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।